हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाना वेफर बनाने जा रही हूँ। इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से अंत तक देखिए, क्योंकि मैं बनाना वेफर तीन तरह से बनाना बताऊंगी। इसकी इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ही कम है, तो चलिए हम बनाना वेफर बनाना शुरू करते हैं। बनाना वेफर बनाने के लिए हमें कच्चे केले की आवश्यकता होगी, नमक, हल्दी, काली मिर्च, पानी। तो अब हम एक कढ़ाई में गैस पर तेल डालेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। तेल तो नारियल का होना चाहिए, पर आप जो भी है घर में कुकिंग वायर उसमें देते हैं। अब हम केले के छिलके को हटा लेंगे। तो पहले हम इसके ऊपर वाले पॉइंट को काटेंगे और फिर ये नीचे वाले पॉइंट को काटेंगे और एक एक साइड से ऐसे करते हुए उसे पील कर लेंगे। केले ग्रीन छिलका नहीं रहना चाहिए, ऐसे आराम आराम से हम सारे छिलके को हटा लेंगे। आप देख रहे हैं अपना ये सब ग्रीन छिलका निकल चुका है। अब हम छिलके को हटा देंगे और इसे प्लेट में रख देंगे। अब हम एक कटोरी लेंगे और उसमें आधा कटोरी पानी लेंगे और हम इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे और इसे हम घोल लेंगे। अब अपना तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम ऐसे कटर से केले को डायरेक्ट तेल में काटेंगे। तो सावधानी से हम इसे काटते जाएंगे। हम जितना पतला काटेंगे अपना वेफर उतना ही क्रिस्पी होगा। अब हमने इसको गरम तेल में काट लिया है, इसे हम आधा अधूरा पकने देंगे। अब ये अपना वेफर आधा पक चुका है, इसमें हम ये नमक वाला पानी डालेंगे। पानी डालते गड़गड़ाहट उठेगी तो इससे घबराना नहीं है। ऐसे हम दो चम्मच पानी डाल देंगे। ये पानी डालने से तेल का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है और वेफर अपना क्रिस्पी बनता है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर फूल के ऊपर आया है और धीरे धीरे इसे क्रिस्पी होने देंगे। अब हम इसमें से एक वेफर निकालेंगे और इसे ऐसे तोड़ के चेक कर लेंगे। ये अपना क्रिस्पी हो चुका है। अब हम ऐसे जाली वाले छड़नी में इसे निकाल लेंगे, जिससे एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में निकल जाए। इसे हम हल्का हल्का ऐसे झटकेंगे, सारा तेल नीचे निकल जाएगा। अब एक बर्तन पे हम टिश्यू पेपर रखेंगे और उस पे ये अपना वेफर्स निकाल लेंगे और ऐसे ही हम बाकी के केले छील के और उसको काट लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे केले को भी
तेल में काट के और फ्राई कर लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में स्वादिष्ट उतना ही है। अगर फ्रेम नहीं है तो आप चाकू से भी बारीक बारीक काट के और बना सकते हैं। अगर आपको इसमें पीला कलर मंगाना है तो ये पानी के घोल में हम 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे और ऐसे मिक्स कर लेंगे और ये बेफोड़ में हम नमक वाली पानी के साथ हल्दी डालेंगे तो अपना बेफोड़ का कलर चेंज हो जाएगा। पानी का गड़गड़ाहट कम होने लगा है। अब हम गैस को लो कर देंगे और इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकने देंगे। ये क्रिस्प हो चुका है, अब इसे हम धीरे धीरे झरनी में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे लंबा शेप में भी काट सकते हैं। एक केले को 2 टुकड़े में करना है और ऐसे लंबे लंबे शेप में काट देना है। थोड़ा हाथ को ध्यान से बचा के रखना है। केले को लंबे शेप में काट लिया है तो आप अपने पसंद का शेप दे सकती हैं। अब हम इसे सेम प्रोसेस से पानी डालेंगे। ये हल्दी का घोल थोड़ा सा मिला लेंगे क्योंकि हल्दी नीचे बैठ जाता है और इसमें हम फिर 1 चम्मच पानी डालेंगे। अगर आपको उपवास के लिए बनाना है तो सादा नमक की जगह से सेंधा नमक यूज कर सकती हैं। अब अपना ये लंबे शेप वाली वेफर्स भी कुरकुरी हो चुकी है, अब इसे हम झरनी में ऐसे निकाल लेंगे। इस पे आप अपने पसंद का चाहे तो रेड चिल्ली स्प्रिंकल कर सकती हैं, किसी पे ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर सकती हैं, किसी पे चाट मसाला डाल सकती हैं। अगर फलाहारी के लिए आप बनाना चाहती हैं तो सेंधा नमक डाल सकती हैं। अभी अपना घर का बना हाइजेनिक वेफर तैयार है। इसे आप स्नैक्स के लिए, बच्चों के टिफिन के लिए या कोई भी पार्टी में चाय के साथ सर्व करने के लिए बना सकते हैं। और आप बनाइए, इसे टेस्ट कीजिए। आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।